हेलो स्टूडेंट्स, अब तक मैंने अपने कई वीडियो में आप सभी को कुछ रागों का विवरण, कुछ रागों के छोटे ख्याल, कुछ रागों का बड़ा ख्याल, ये सभी जो कोर्स में थे उन सभी को आपको सिखाया है और आपने उन सभी को सीखा भी है, सुना भी है और मुझे गाकर बताया भी है। लेकिन मैंने उन सभी में जो आप के सुनने के बाद जो कमियां मुझे नज़र आई, आज मैं उस पर चर्चा करूंगी। देखिए, शास्त्रीय संगीत में या संगीत कह लीजिए, चाहे वो फिल्मी संगीत हो, सुगम संगीत हो, शास्त्रीय संगीत हो, यदि हम कुछ अलंकारिक जो चीज़ें होती हैं, यदि हम उनका प्रयोग नहीं करते हमारे गाने में या बजाने में, तो गायन की खूबसूरती नहीं आती। मैं बात कर रही हूँ जैसे गमक का प्रयोग, मुरकी का प्रयोग, नींद का प्रयोग, अलंकारिक जो स्वरों का प्रकार है उनका प्रयोग, मैं इन सब की बात कर रही हूँ। आप सभी जब गाते हैं तो बहुत सीधा सीधा उनका प्रयोग करते हैं। जो मेरे एमए के स्टूडेंट्स हैं उनमें भी कुछ बहुत इन सभी का प्रयोग करते हुए, मुरकी का, गमक का, अलंकारिक प्रकारों का प्रयोग करते हुए गाते हैं, तो उनका एक बिल्कुल ही अलग डिफरेंट निकल के आता है उनका प्रेजेंटेशन। लेकिन अधिकतर जो मैंने देखा है वो आप बिल्कुल सीधा सीधा सपाट सा बंदिश गाते हैं, तो ठीक नहीं है। तो मैं आज कुछ पे आपका प्रकाश डालना चाहूँगी कुछ बातों पर, कि उनको आप यदि अपने गाने में प्रयोग करेंगे तो आपके गाने की खूबसूरती अलग ही निकल के आएगी, बहुत खूबसूरत लगेगा। मैं सबसे पहले बात करती हूँ मुरकी की। मुरकी किसे कहते हैं? एक जो स्वर है उस स्वर के जो आसपास के जो तीन चार स्वरों का, दो से चार स्वरों का जो एक कॉम्बिनेशन होता है, उस कॉम्बिनेशन को गाने में या बजाने में कुछ सेकंड्स में ही उसको लेना होता है, तो उसको मुरकी कहते हैं। मैं जैसे एग्जांपल मैं आपको करके बताती हूँ, जैसे स्टूडेंट्स के कोर्स में जैसे राग यमन है, वो एमए लेवल तक भी है ये कोर्स में, और जो स्टार्टिंग की जो डिग्री की जो क्लासेस हैं उनमें भी ये यमन राग मिलेगी। तो उसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको मुरकी का लेके बताती हूँ। जैसे पिया भी न लागे ना मुराजिया, पिया भी न लागे ना मुराजिया, पिया भी न पिया। अब ये जो प्रकार है, जो ये प्रयोग है पिया शब्द पे, जो प है उस प को आप ऐसे भी ले सकते हैं, पिया भी न, ये सिंपल हो गया। और इसी को आप ऐसे गाएंगे, पिया बीना, तो ये हो गया प्रयोग मुरकी का। अब ये मुरकी का इसमें मैंने यहाँ क्या स्वरों का प्रयोग किया, प के पास आएगा म ध प, है ना। तो आप इसको प को आप पिया प म म द प, पिया प म म द प, पिया बीना लागे ना मुराजी, तो ये यहाँ पर मुरकी का प्रयोग किया तो एक अलग खूबसूरती निकल के आई। और आप सिंपल लेते पिया बीना, ये बिल्कुल सिंपल हो गया, तो सुनने में इतना सुंदर नहीं लगता, खूबसूरत आकर्षक नहीं लगता। लेकिन जब आप इसमें मुरकी का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, पिया बीना पिया प पिया बीना लागे ना मुराजिया, ये बात हो गई मुरकी की। अब ये मुरकी कई जगह पर भी प्रयोग की जाती है, लेकिन हर जगह भी नहीं प्रयोग की जाती, कि आप उसको सा पर भी लेने लग जाएं या तार सप्तक के सा पे, जहाँ पर ये खूबसूरत लगती है, जिस राग में किसी पर्टिकुलर किसी स्वर के आसपास जो लिया जाता है किसी स्वर पे, तो उसी पर ही आप लें। हर जगह इसका प्रयोग उचित नहीं है। तो जैसे यहाँ पर ये स्टार्टिंग है, तो यहाँ पर आप मुरकी लेंगे
यमन की जो स्टार्टिंग का जो ये छोटा ख्याल की बंदिश है, इसमें स्टार्टिंग पे आप लेंगे तो यहाँ पर ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। और आप सिंपल लेंगे पिया बिना, और एक पिया बिना लागे ना मुराजिया, तो ये मुर्की का एक अलग खूबसूरती निकल के आती है। अब मैं बात करती हूँ गमक की। गमक में इसका जो है वो कुछ स्वरों को मैंने आपको पहले अलंकार भी मेरे वीडियो में आपने देखे होंगे कि अलंकारों के मैंने कई तरह के प्रयोग आपको करके बताए हैं, तो उसमें मैंने गमक का भी प्रयोग आपको करके बताया है। मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि अलंकार में जैसे आप दो दो स्वरों के टुकड़े लें, तीन तीन को लें, जैसे सा रे गा गा मा मा पा पा दा नी नी सा, सा नी नी दा दा पा पा मा मा गा गा नी नी सा, ये हो गया जैसे सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा दा दा नी नी सा सा, सा सा नी नी दा दा पा पा मा मा गा गा नी नी सा सा। और इसी प्रकार से आप तीन तीन का भी आप टुकड़े बना सकते हैं, चार चार के बना सकते हैं, पांच पांच के बना सकते हैं। एक स्वर को तीन बार लें, चार बार लें, पांच बार लें, जितना भी आप अभ्यास करें उतना ही कम है। अब इनको प्रयोग में कैसे लेना है, जैसे आपने लिया सा रे रे गा गा मा मा पा पा दा दा नी नी सा, तो आप इनको पहले इसी तरह से स्वरों में प्रयोग लें, क्योंकि इसके भी एक बेसिक, जैसे बेसिक है स्टार्टिंग पे आप लेते हैं बेसिक पे, तो आपको इसी तरह से लेना होगा। तो आप पहले स्वरों का अभ्यास करें, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा दा दा नी नी सा सा, सा सा नी नी दा दा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा, सा रे रे गा गा मा मा पा पा दा दा नी नी सा, सा नी नी दा दा पा पा मा मा गा गा रे रे सा। तो ये इस तरह से आप तीन तीन के भी स्वरों का प्रयोग करें, चार चार का भी करें, ठीक है। और उसके बाद आप थोड़ा सा इसको, जैसे पहले बेसिक लेवल पे आपने स्लो में लिया, अब इसका जो मिडिल स्टेज जो आती है वो उसका आप थोड़ा सा फास्ट करके लें, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा दा दा नी नी सा सा, सा सा नी नी दा दा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा, सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 दा 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 नी 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 सा सा, सा 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 नी 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 दा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे 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 सा सा, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा दा दा नी नी सा सा, नी नी दा दा पा पा मा मा गा गा रे रे सा, सा रे रे गा गा मा मा पा पा दा दा नी नी सा सा, नी नी दा दा पा पा मा मा गा गा रे रे सा। तो इस प्रकार से आप इसको निरंतर लगातार अभ्यास करें। आपका जब स्वर लेवल पे बिल्कुल क्लियर आ जाएगा, क्लियर होगा, उसके बाद आप एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। इसकी जो गमक की जो मैंने ये आपको तीन स्टेज बताई है, बेसिक, मिडिल स्टेज, बेसिक स्टेज, मिडिल स्टेज और एडवांस स्टेज। अब एडवांस स्टेज में क्या है कि जब इसका बहुत अच्छे से आपके अभ्यास हो जाए तो आप उसे आकार में अभ्यास करें। आपने कुछ कलाकारों का आपने सुना भी होगा कि वो जब स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो उनका वो आकार पे परफॉर्म करते हैं, स्वरों में नहीं करते। तो गमक का जो प्रयोग है वो आकार में करते हैं। मैं एक कलाकार का, किसी कलाकार का आपको परफॉर्मेंस, प्रसिद्ध कलाकार हैं उनका मैं आपको सुनाती हूँ। पहले आप उसे सुनो। पायलिया झनकार मोरी, पायलिया झनकार मोरी, पायलिया झनकार मोरी, झनन जनन बाजन झनकार, पायलिया झनकार मोरी, पायलिया झनकार मोरी, पायलिया झनकार पिया समझाबु समरत नाई, साजन नंद मोय देगी गाय, पायलिया झनकार मोरी, पायलिया झनकार मोरी, पायलिया झनकार मोरी,
तो अभी आपने प्रसिद्ध कलाकार हिंदुस्तान के विश्व के पटल पर, विश्व संगीत के पटल पर, जिन्होंने अपना नाम रोशन किया, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, पंडित भीमसेन जोशी, आपने उनका भी सुना। उनके तानों को आपने ध्यान से सुना होगा कि गमक का प्रयोग किस प्रकार से किया गया है। तो इसमें आपने ध्यान से सुना होगा कि हर स्वर को एक फोर्स देते हुए उसको प्रयोग किया गया है। हर एक से दूसरा स्वर जुड़ा हुआ है, जैसे गुथा हुआ हो, और उसके बाद उन स्वरों को एक फोर्स के साथ उसका यूज़ किया गया है। अब आप जैसे स्वरों में लेंगे, तो स्वरों में आपको पहले तो मैंने आपको सिंपल एक बेसिक जो लेवल था वो सिंपल तरीका बताया, फिर मिडिल जो लेवल था उसको मैंने आपको फास्ट करके बताया है। उसी को आप फोर्स के साथ जैसे गाएंगे तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट आता है। जैसे उसको लेंगे आप, ससा रे रे गा गा मा मा पा पा दा दा नी नी दा दा, ससा नी नी दा दा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा, ससा सा रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 दा 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 नी 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 सा सा सा, ससा सा नी 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 दा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे 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 सा सा सा, ससा सा सा रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 दा 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 नी 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 सा 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 सा, ससा सा सा नी 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 दा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे 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 सा 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 सा। तो इसमें हर स्वर को हम फोर्स के साथ एक फोर्स का इम्पैक्ट देते हुए उसको प्रेजेंट करते हैं। और सिंपल जब यदि आप लेंगे, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा दा दा नी नी सा 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 नी नी दा दा पा पा मा मा गा गा रे रे सा, तो ये हो गए अलंकार, अलंकार की ताने। और इन्हीं को आप जब फोर्स के साथ एक अलग रूप में प्रेजेंट करेंगे, हर स्वर को फोर्स के साथ थोड़ा सा बोलें, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा दा दा नी नी सा सा नी नी दा दा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा, तो ये हो गया गमक का प्रयोग। अब एडवांस लेवल पे इसमें क्या है कि कलाकार जो प्रेजेंट करते हैं वो आकार में प्रेजेंट करते हैं। तो उसमें आप कैसे करेंगे, जब आपका स्वरों का अभ्यास बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा तो उसे आप आकार में अभ्यास करें। किस प्रकार से, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा प्रेजेंट किया मैंने, अब उसको तीन में लें, आ आ आ आ आ। तो इसमें एक से दूसरा स्वर जुड़ा हुआ भी है और हर स्वर को एक इम्पैक्ट के साथ, एक फोर्स के साथ प्रेजेंट किया मैंने। यही होता है गमक, गमक की ताने। गमक एक तानों का ही प्रकार है, लेकिन ये प्रयोग बहुत ही किया जाता है, अधिक रूप में किया जाता है। तो इसे आपको सबको समझना बहुत आवश्यक है। और इसी प्रकार से आप और भी अलग तरह से बनाते जाएं, चार के टुकड़े बना सकते हैं, पांच के बना सकते हैं। जैसे चार के भी आप लें, आ 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
प्रकार से ही चार चार के टुकड़े हो गए। और जब आपको बहुत अभ्यास अच्छे से हुए तो आप इसके जितना चाहें उतनी इसकी लय इसकी गति को फास्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो ही रहना चाहिए जो गमक में होता है। जैसे तो इस प्रकार से आप लय को गति को फास्ट भी कर सकते हैं। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही हर स्वर आपका अलग अलग निकल के आएगा, अलग अलग उसका स्वरूप खिलेगा। तो ये हुआ गमक का इम्पैक्ट। और इससे पहले मैंने आपको बताया मुरकी का, अब मैं बात करती हूँ अलंकारों की। तो अलंकार का मैंने आपको पहले भी कहा, जो मेरे जो बेसिक लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो पीपीए लेवल पे हैं, मध्यमा लेवल पे हैं, उन स्टूडेंट्स को मैं बार बार कहती रहती हूँ कि आपको मैंने 10 थाटों का पहले भी बताया है। वो सभी स्टूडेंट्स मुझे फ़ोन करके भी बोलते हैं, मैसेजेस में भी बार बार कहते हैं कि आप उसका तरीका बताइए। मैंने आप सभी को 10 थाटों का प्रयोग भी बताया है, 10 थाटों का अभ्यास भी करवाया है प्रैक्टिकल क्लासेस में, उसको थ्योरेटिकल भी समझाया है, प्रैक्टिकल भी समझाया है। आपको क्या करना है उसे सुन के और जो मैंने पहले बताया था उसके आधार पे उसका बार बार अभ्यास करें। पहले आप 10 थाटों को समझिए, उन हर थाट का क्या स्वर है। स्वर केवल 12 होते हैं, 7 शुद्ध स्वर, 5 विकृत स्वर। अब किसी में जो कोमल स्वर जो 4 हैं और 1 विकृत स्वर है, कुल मिलाकर 5 हो गए। तो 4 विकृत स्वर है वो किसी राग में ग और नी कोमल लगेगा, किसी में रे और ध कोमल लगेगा, किसी में केवल मतलब किसी में ग धनी कोमल भी लगेगा, किसी में रे ग धनी कोमल चारों लगेंगे, किसी में केवल तीव्र म लगेगा। तो इस प्रकार से आप थाट के स्वरों का पहले अभ्यास करें रोजाना, और उसके बाद हर आप एक राग को लीजिए, एक थाट को लीजिए और उसके जो मैंने आपको अलंकारों का पैटर्न बताया है, जैसे पहले आप सिंपल लीजिए सारे गम बदनी सा सारे दम गरी सा, आप इसको लीजिए, कोई भी एक थाट ले लीजिए आप। और उसके बाद उसी में आप जो मैंने अलंकार के पैटर्न आपको बताए हैं, मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको अलंकारों का पैटर्न शेयर किया है, उसको भी आप दोबारा देख सकते हैं, इनबॉक्स में भी आप उसे दोबारा देखें और उस पैटर्न के अनुरूप आप अभ्यास करें। जैसे 3 के टुकड़े बना लीजिए, सारे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नि ध नि सा सारे ध नि ध प ध प म प म ग म ग रे ग रे सा सारे ग म रे ग म प ग म ध म प ध नि प ध नि सा सारे ध प नि ध प म ध प म ग प म ग रे म ग रे सा। ये 3 का हो गया, 4 का हो गया। आप लंघन करके भी कर सकते हैं, सा ग ग रे म म ग प प म ध ध प नि नि ध सा 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 ध ध नि प प ध म म प ग ग म रे रे ग सा सा, लंघन करके भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मैंने 10-10 अलंकारों का अभ्यास का पहले भी कहा था, आपको करवाए भी हैं, लिखवाए भी हैं। आप मेरे पहले के वीडियो में भी आप जाकर दोबारा सुन सकते हैं, उनका आप अभ्यास करें हर थाट का। एक थाट को आप एक दिन में ले लीजिए, उसके स्वरों का अभ्यास करिए और उसके अनुरूप उसके अलंकारों को बनाकर आप पहले लिख लीजिए और उसके बाद उसका अभ्यास करिए। तो ये बात होगी अलंकारों की। मुरकी, उसके बाद मैंने गमक का आपको बताया, मुरकी का पहले बताया, गमक का आप प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा वो बताया है, अलंकारों को आप किस प्रकार से अभ्यास करें मैंने वो बताया है आपको, और इससे पहले मैं आपको मीट का भी प्रयोग मैं आपको बता चुकी हूँ कि मीट का प्रयोग कैसे करते हैं। मीट में मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी शेयर किया था कि एक स्वर से दूसरे स्वर तक बिना स्वर को तोड़े, उसकी एक जो लड़ी सी बनती है उस लड़ी के रूप में हम स्वरों का प्रयोग करते हैं, उसको मीट कहते हैं। अब मीट की जहाँ बात आती है तो मीट हर एक से दूसरे स्वर मर्जी है वो नहीं ले सकते। किसी राग में किस प्रकार से मीट लिया जाता है, किन दो स्वरों के बीच में मीट लिया जाएगा, ये हर राग में अपना अपना अलग होता है, आप उसी के अनुरूप ही लें, क्योंकि हर स्वर पर मीट नहीं होगा,
वो अच्छा नहीं लगेगा यदि आप लेंगे। तो हर राग के वर्णन को पहले आप ध्यान से पढ़ें, देखें, और उसके बाद ही किन दो स्वरों के बीच मीड बनता है उसको आप लीजिए। अब जैसे आपके कोर्स में मैंने आपको जैसे पूरिया कल्याण करवाया है, तो उसमें जैसे नी म गा लेंगे आप, जो मैंने प्रयोग बताया था, तो आप उसको करें जैसे नी म की, ये मीर इस तरह से हम जा रहे हैं और उसको उस तरह से ले रहे हैं। तो ये यहाँ पर हमने हल्का सा मीर का प्रयोग किया। इस प्रकार से कई ऐसी रागें हैं जो केवल मीड पे आधारित हैं, जैसे राग दरबारी कानरा है जिसमें बहुत ही मीड का प्रयोग होता है। उसके अलावा और भी कई रागें हैं जिसमें मीड का प्रयोग होता है, तो हम उन्हीं पर ही मीड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना था आज के वीडियो में कि आप किसी भी बंदिश को, किसी भी ख्याल को बिल्कुल सिंपल तरीके से नहीं गाएं। आपने आज इसमें समझा मुरकी किस प्रकार से लेनी है और गमक किस प्रकार से लेनी है, अलंकारों का प्रयोग कैसे करना है, मीड का प्रयोग कैसे लेना है, किस प्रकार से आपको अभ्यास करना है। ये पूरा आज मैंने आपको इसीलिए समझाया है कि आप उसे जो भी बंदिश गा रहे हैं, जो भी आपने तैयार की है, जो मैंने शेयर किया, आपने तैयार भी किया है, मुझे शेयर भी किया है, लेकिन वो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोगों ने गाया है। इसे आप दोबारा इसी रूप में अभ्यास करें, मुरकी के साथ, गमक के साथ, अलंकार के साथ और मीड के साथ, और उसके बाद दोबारा रिकॉर्ड करके मुझे शेयर करें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा और साथ ही आपके संगीत में भी खूबसूरती आएगी और आपका गायन और अधिक आकर्षक लगेगा। तो इसे आप फॉलो करें और ध्यान से सुनें और इसका अभ्यास करें। थैंक यू।